2IITians को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और 2IITians पर कंसेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप 2IITians के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमारे सामने डिजाइन बनी हुई है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 per centimeter square. तो देखिए, ये क्या है, टेबल पर हमने एक कवर बिछा रखा है, ठीक, कवर बिछा रखा है जिसमें ये हमारी ऐसी डिजाइन बनी हुई है, और हमें इस डिजाइन की हमें कॉस्ट निकालनी है तब जब हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो हमें 0.35, ठीक, 0.35 रुपीस हमें एक सेंटीमीटर एरिया की कॉस्ट हमें दे रखी है यहां पर। तो चलिए देखिए, अब इसमें रेडियस ऑफ The table cover R equals to 28 centimeter. ठीक है, design is lying between the circular portion and hexagonal regular hexagonal portion। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहां से कि ये जो डिजाइन है ये सर्कुलर पोर्शन और हेक्सागन जो ये आपको दिख रहा है इसके बिल्कुल बीच में, इसके किनारे पर है, ठीक। ये हेक्सागन इसके अंदर बना हुआ है, सर्कल के अंदर हेक्सागन आपका बना हुआ है और उसके अंदर है ये डिजाइन, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ हेक्सागन पोर्शन, ठीक, इसको अगर देखिए हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे और इसको भी हम सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये और ये साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये हमारी रेडियस है। और देखिए ये जो हेक्सागन है आपका, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक। तो रेगुलर हेक्सागन है तो अगर हमने इसको इससे मिलाया है, ठीक, इसको अगर हमने इससे मिलाया है तो देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका बाइसेक्टर होगा, ठीक। तो ये इसका, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये आपका बाइसेक्टर होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी 28 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ठीक है, सारी ही साइड्स इसकी 28 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ये वाली जो साइड है ये भी आपकी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे अगर जैसा हमने यहां किया है ऐसा अगर हम सब जगह पे करें, यहां पर भी हमने कर दिया, ठीक, यहां पर भी हमने कर दिया, तो हमें टोटल हमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो एरिया जो हेक्सागोनल पोर्शन का जो एरिया हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस ही तो साइड है। ठीक, तो अब देखिए एरिया ऑफ डिजाइन हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोनल पोर्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये एरिया सर्कल का एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका पाई इंटू 28 स्क्वायर माइनस 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू, और जो रेडियस है आपकी वो कितनी है 28, तो उसका हमने कर दिया है स्क्वायर। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए वैल्यू हम रख देंगे यहां पर पाई की वैल्यू, तो ये आपका 22 बाई 7 और 28 स्क्वायर को हम लिखेंगे 28 इंटू 28 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू, और ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 28। ठीक, इसको 7 से डिवाइड करेंगे ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये आपका 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 6 इंटू रूट 3 की वैल्यू हमें यहां पर रखनी है 1.7 इंटू 7 इंटू 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 2464 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1999.2। ठीक है, पॉइंट टू। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, डिजाइन का एरिया हो गया। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ डिजाइन इज 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमने इसका एरिया तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सिंस कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इक्वल्स टू 0.35 रुपीज, therefore cost of 464.8 centimeter square design is equal to 0.35 into 464.8 rupees। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 162.68 रुपीज। बस ये आपका फाइनल आंसर है।